एमपी के उज्जैन में होटल मालिकों को एक ऐसा निर्देश मिला है जिसे ना मानने पर उनके होटल सील हो सकते हैं। क्या है ये, आप रिपोर्ट में। धार्मिक नगरी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। उज्जैन के होटल मालिकों को अब होटल के सामने नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और होटल सील हो सकता है। उज्जैन प्रशासन का यह निर्देश यूपी या उत्तराखंड के फरमान से अलग है। धार्मिक नगरी आने वाले श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलने की शिकायत के बाद ये निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि होटल मालिकों के साथ बैठक में नाम लिखने पर सहमति बनी थी। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रशासन के फैसले को जायज ठहराया और कहा कि पूर्व में हुई मारपीट की घटना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तीर्थ यात्रियों के साथ पहले भी एक दो घटना हुई है मारपीट की, तो प्रोपराइटरों के नाम होना चाहिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो।